एंड ही व्हाट इज अप गाइस गाइस, आप सभी लोग वेलकम हो गया जी एफएफ गैंगस्टर डी चैनल के ऊपर। आप लोगों को वीडियो का टॉपिक तो पता चल गया होगा थंबनेल और टाइटल से, ठीक है। और आप लोगों को अब इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी आप लोगों को पिक्चर्स दिखाऊंगा शुरू के अंदर, थोड़ी सी उसके बाद, ठीक है। फिर इन दोनों के ऊपर बात करूंगा कि इसके अंदर क्या और इसके अंदर क्या है, ठीक। ये मैंने एक वीडियो देखी थी, ये मैं उससे इंस्पायर होकर बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो गाइस बनाना बहुत ज़रूरी था। ये चीज़ बहुत होती है कंट्रियों के अंदर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़े टॉपिक के ऊपर, अब मैं जो मैंने टॉपिक है अब मैं उसके ऊपर आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ पहले, ठीक है। पहले विचार दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं बातचीत करूँगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो यार, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करो अगर अच्छी लगे तो, और कमेंट यार प्लीज़ करके जाओ और सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती तो बेल नोटिफिकेशन ऑन जो आप लोगों की है ना उसको ऑफ पे करो, बिल्कुल ऑफ कर लो, फिर उसको फिर से ऑन करो तो फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिर भी नहीं आती तो फिर आप लोग क्या करो, अनसब्सक्राइब करो, फिर अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके फिर बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट कर लो, ठीक है। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरे चैनल की रीच डाउन हो रही है, ठीक है प्लीज़। और अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कुछ पिक्चर्स, आ जाओ। और ये आप सबके स्क्रीन के सामने बहुत सारे मीम्स आएंगे, टोटल ये 4 मीम्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने ट्विटर के ऊपर सर्च करा था, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच मैं अभी देख रहा था, मैंने उधर ये सर्च किया। अब ये देखो भाई, ये जो चीज़ है ना, ये तुम लोगों को लगता है कि ये अच्छी लगती है, नहीं। ये जो अगर जो प्लेयर्स होते हैं ना, प्लेयर्स अगर वो लोग ट्विटर खोल के देखे, मैं कहता हूँ कि सच्ची में वो लोग इतना डीमोटिवेट होंगे किसी की हद नहीं। अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये पाकिस्तान इंडिया सारे मुल्कों का शायद यही सीन होगा। अब जैसे कि भाई मेरे को नहीं पता कि ये सब लोग क्यों बोलते कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के दुश्मन है, भाई नहीं है। अब पता नहीं वो लोग गवर्नमेंट के हिसाब से बोलते हैं, ऑडियंस के हिसाब से नहीं, क्योंकि मेरे साथ कुछ हैं इंडिया के मीन्स सब्सक्राइबर, और मेरी उनसे बातचीत भी है, बिल्कुल दोस्त के टाइप हैं, तो वो लोग मुझे कुछ हेट या नहीं देते, ठीक है ना। तो मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत है, ठीक है। और जब इंडिया और पाकिस्तान आ रही थी तो ट्विटर में था, तो भाई पाकिस्तान वर्सेस अगर तुम लोग हैशटैग सर्च करोगे ना इंडिया, बहुत सारे ट्वीट्स बनाए पाकिस्तानियों ने। यार ये नहीं होता, ये ना इससे क्या होता है कि जो मुल्क के जो मामला जो सही होते हैं ना, तुम लोग उसको पूरा बिगाड़ देते हो। जैसे कि आई फील दैट इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। वो मेरे को लगता है कि इंडिया से हमारी दोस्ती हो सकती है, बट ये जो चीज़ करते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा यार वो भी कहते होंगे फिर क्या यार, हम लोग अब पाकिस्तान से क्या रखें हम लोग दोस्ती, समझ लो ये सी होता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये सारी चीज़ें अब बंद कर दो। अगर अब भी आप लोग करते हो बचकाना हरकत, प्लीज़ बंद कर दो यार, थोड़े मैच्योर हो जाओ। अगर पाकिस्तान आती है, इंडिया के लोग मीम्स बनाते हैं, अगर कोई इंडिया का बंदा तुम्हें आके बोलेगा यार तेरी टीम ये है नली तुमको, अबे हाँ साली ये है वो है इसकी माँ की वो ये, लोग बहुत गलत हो गए, ठीक है। इंडिया के बंदे सेम है, बहुत गलत सुन के मिलते हैं, अरे भाई हार जीत होती रहती है, अपने वतन के लिए सपोर्ट करो। अगर बलफ्रस तुम खेल रहे होते हैं, तुम अगर तुम्हारी एक गलती अगर तुम भी उस टीम को सुन रहे, तुम्हें तुम्हारे दोस्त वही कहते ना, तुम तो पूरी दुनिया की वही बातें सुनते हैं, क्या तुम्हें वो लोग खड़े भाई तुम तो यार तेरी गलती नहीं थी उनकी गलती थी, यार तेरी गलती नहीं थी उनकी गलती थी, ये नहीं होता, ठीक है। अब मैं लोगों को कुछ और पिक्चर्स दिखाता हूँ वो देखो, और प्लीज़ यार ये चीज़ें बंद कर देना, रिक्वेस्ट है। और अपने दिमाग सारे नेगेटिव थॉट्स निकालो, ठीक है, उसको अपने दिमाग से बाहर फेंक दो, ठीक है। और कुछ पॉजिटिव वाइब्स डलाओ, ठीक है, वाइब्स हाँ मीन्स वो होता है कुछ पॉजिटिव थिंकिंग करो। अब मैं बताता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर क्या है, देखो ये देखो, ये आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आते रहेंगे बहुत सारे पिक्चर्स, ये मेरे को जाते लगते हैं कि उसको बोलते हैं स्पोर्ट मैन
स्पिरिट या स्पोर्ट बैंड मेंबरशिप या कुछ ऐसा ही है, ठीक है? मेरे को कन्फर्म नहीं पता उसको बोलते क्या है, ये आप लोग खुद देखो। और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कितने का था, उनकी जीत के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन कितने का था, सबको पता होगा इंडिया ने भाई, क्योंकि वो लोग हिट नहीं करते भाई। अगर तुम अगर कभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो ना, बिल्कुल दिमाग लगा के देखना, अगर जब इंडिया भी आती है ना तो पाकिस्तान के भी जो मीन्स क्रिकेटर वो हिट नहीं करते हैं। हिट कौन करता है ना, कि इंडिया और पाकिस्तान के पागल, और जो जो है ना 9 साल के ऑडियंस उससे भी नीचे हैं, 2 साल के बच्चे, 5 साल के ले लो, चलो 2 साल के भी बच्चों को तो मोबाइल यूज़ करना आ गया है, चलो 5 भी छोड़ो तो 10 साल के ऑडियंस ले लो, ये वो लोग हैं। अरे भाई थोड़े मिच्योर हो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखो यार, ये आप लोगों के दिमाग के अंदर एक बार अंडरस्टैंडिंग का लव्स बैठा दो। एक भी टीम जो भी टीम आ रहा है हम उसको हेट नहीं करना, और अगर हमारा टीम हमारी खुद की टीम आए तो ट्विटर के ऊपर तुम लोग इतना स्पैम करो कि इतने पॉजिटिव थिंकिंग तुम लोग स्पैम करोगे, अगर कोई इंडिया का एक बंदा खोल के देखेगा या प्राइम मिनिस्टर इंडिया का खुद खोल के देखेगा, वो लोग खुद मोटिवेट होंगे यार। जो ये तुम लोग जो बातें की बताते वो लोग डिसमोटिवेट होते हैं बहुत होता है। पाकिस्तान भी मैं कहता हूँ नहीं थी पाकिस्तान सी टीम, मैं कहता हूँ नहीं थी पाकिस्तान ने भाई इम्प्रूव किया है ना, इंडिया अच्छी टीम थी मेरे नज़र में, अभी भी है, बट कुछ थी वो गलतियाँ, अब हो गई तो हो गई यार। अब यस हाँ, पाकिस्तान के बैट्समैन ने बहुत अच्छा खेला, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान ने भी अच्छा खेला और इंडिया ने भी अच्छा खेला, इंडिया में फुल अपनी बेस्ट दिया भाई, बहुत अच्छा खेला भाई दोनों टीमों ने। पाकिस्तान के जिसके भी साथ हुआ ना, मैंने देखा कि टफ मैच हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ टफ मैच हुआ था, अफगानिस्तान के साथ टफ मैच हुआ था। अरे भाई टफ मैच ही होगा ना, क्योंकि अच्छी टीम है, नली टीम नहीं है ये, तुम लोग उनको बनाते हो ट्विटर मीडिया के ऊपर जाके, ट्विटर के पढ़ के नली टीम यार, हमारा कंट्री ये है, फिर फलाना फलाना तुम लोग गालियाँ दोगे फिर जाके। अगर पाकिस्तान हारती ना, मैं अपना व्हाट्सएप का स्टेटस एक ही लगा था, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना, क्योंकि भाई एक ही मैच का तो डिसीजन नहीं था ना, दूसरा मैच था, दूसरा मैच जीतते हैं, तुम लोगों ने इंडिया को इतना डीमोटिवेट कर दिया, इंडिया क्या है, हमको मोटिवेट ही नहीं है। और मैं कहता हूँ कि हेट नहीं करो यार, अगर आप लोगों ने हेट करना स्टार्ट कर दिया ना, समझो कि तो अगर आप लोगों ने हेट करना स्टार्ट कर दिया समझो कि आपकी टीम हमेशा हारेगी, आपका कंट्री हमेशा हारेगा, अपने कंट्री की टीम को सपोर्ट करो, मोटिवेट करो। अरे भाई कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे, जो बंदा डिसमोटिवेट कमेंट किया तुम सब लोग जाके उसको कमेंट को इतना रिपोर्ट दो, उसके पोस्ट को इतना रिपोर्ट दो कि बोलो उसको हटाना ही पड़े, समझ रहे हो? मैं यही कहता हूँ, अंडरस्टैंडिंग बैठा लो अपने दिमाग के अंदर, अब से नेक्स्ट टाइम में भले इंडिया हारे पाकिस्तान हारे जो भी हारे, हम जिस भी कंट्री में था हम लोग उसको हेट नहीं करेंगे, और सामने वाली टीम के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं सक, जैसे कि इंडिया जीती या पाकिस्तान जीते, अब पाकिस्तान के लोगों ने बहुत सारे मीम्स बनाए, अगर इंडिया जीते तो इंडिया के लोगों मीम्स बनाते हैं, ठीक है ना, बस ये मीम्स की दुनिया बनाना बंद करो और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दिमाग लाओ अपने पास, अगर अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे अंदर फिर तो बेटा तुम महान हो, अगर नहीं है तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ निकम्मे नालायक हो, ठीक है? और मेरे को भाई जो जो कहना था मैंने कह दिया, जो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने सारी आप लोगों के सामने रख दिया, अब आप लोगों को पड़ा कि आप लोग क्या करते हो अपनी टीम के लिए। और अगर ये वीडियो से अगर आपको कुछ भी क्लिप्स उठाना हो, छोटा बड़ा जो भी उठाना हो, ठीक है, बेझिझक उठा लेना, मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ कॉपीराइट या कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? अब अल्लाह हाफिज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, सी यू सून। और जाते जाते यार वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, कमेंट, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके मेरे चैनल की रीच बढ़ा दो प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, कि वो लोग भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो, और अपने दोस्तों को कहना कि इसको इस वीडियो को आगे शेयर करें प्लीज़। और एक बात और, इंस्टाग्राम की लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है, अगर फॉलो नहीं करना बस एक बार जाके चेकआउट कर लेना, या फॉलो भी कर ले ही देना, अगर जा रहे हो फिर फॉलो भी कर देना, और कम्युनिटी पोस्ट प्लीज़ देख लिया करो, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए कुछ नहीं डालता, मुसलमान हिंदू मैं सबके लिए डालता हूँ, ठीक है, अब अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, सी यू सून।